फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या चीज है? इट इज अ डिसऑर्डर इन विच पेशेंट, ठीक है, शोज टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रीम बिहेवियर। बाई मतलब दो, ठीक है, तो दो टाइप के एक्सट्रीम बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी, मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम सैडनेस। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? सीरियस मेंटल इलनेस, इट इज अ टाइप ऑफ सीरियस मेंटल इलनेस कॉजिंग ड्रामेटिक शिफ्ट इन इमोशंस, मूड एंड एनर्जी। ठीक है, इमोशंस, मूड एंड एनर्जी में ड्रामेटिक शिफ्ट होगा उसका। कभी तो बहुत ज्यादा लो फील करेगा, मतलब बड़ा उदास सा हो जाएगा, बड़ा टायर्ड फील करेगा, और कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं? फीलिंग लो एंड फीलिंग हाई, बट ये याद रखना एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली हाई, ये नहीं कि थोड़ा सा खुश हो गया, थोड़ा सा उदास, दैट इज कॉमन, वो नॉर्मल चीज है। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा, या तो कुछ दिन वो बहुत ज्यादा उदास रहेगा और कुछ दिन बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी भी विदाउट एनी रीजन। ठीक है, तो लेट्स स्टडी दिस फीलिंग लो। ठीक है, एज सीन इन डिप्रेशन। ठीक है, जैसे डिप्रेशन के मरीज को होता है, तो डिप्रेशन में कैसा लगता है? डिप्रेशन में देयर इज लैक ऑफ एनर्जी, टायर्डनेस, ठीक है, हमेशा उदास रहना, होपलेसनेस, डिस्करेज। ठीक है, किसी चीज़ में खुश नहीं रहना, उसको हम बोलेंगे ये करो, उसमें भी खुश नहीं रहेगा। ठीक है, हमेशा उदास रहेगा, एनर्जी नहीं होगी उसमें, थकावट सी रहेगी। ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न में या तो बहुत ज़्यादा खाएगा, बहुत सोएगा, या बिल्कुल कम खाएगा और बिल्कुल कम सोएगा। ठीक है, तो ये है जब वो डिप्रेशन में होगा तब उसको ऐसे सिम्टम्स होंगे। ठीक है, फिर बात की मैनिक एपिसोड्स की। मैनिक एपिसोड्स हो गया फीलिंग हाई, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है, यूफोरिक स्टेट में, ठीक है, एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, यूफोरिक, ओवरली हैप्पी, ठीक है, यूफोरिक स्टेट में रहेगा। इम्पेयर्ड जजमेंट, ठीक है, जजमेंट विल बी इम्पेयर्ड, वो पेशेंट ऐसा होगा कि इन्वेस्टमेंट करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड विदाउट थिंकिंग किसी को भी पैसे दे देना। प्रेशराइज्ड स्पीच, टॉकेटिवनेस, बोलता जाएगा, और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाएगा, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पे, रुकेगा ही नहीं, ठीक है, बोलता ही जाएगा। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर, डिल्यूजन्स क्या है? डिल्यूजन मीन्स अ फॉल्स बिलीफ इन समथिंग, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। तो और डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर क्या हुए? उस पेशेंट को ऐसे लगेगा कि वो शायद मैसेंजर है गॉड का, ठीक है, उसको भगवान ने भेजा है किसी पर्पज के लिए, या फिर उसको लगेगा कि उसमें सुपर नेचुरल पावर्स है, उसमें वही भगवान है, उसमें वही शिव है, वही पार्वती है, वही भगवान है। ठीक है, तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं ही भगवान हूँ। अब इसका डायग्नोस कैसे करते हैं? ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर इज डिफिकल्ट टू डायग्नोस बिकॉज डॉक्टर हैज टू टेक प्रॉपर हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री लेनी है। अगर पेशेंट डिप्रेशन के स्टेट में जा रहा है और डॉक्टर उससे पहले वाली हिस्ट्री नहीं लेता, सिर्फ ये पूछे डिप्रेशन के सिम्टम्स पूछेगा, तो वो उसको डायग्नोस कर देगा डिप्रेशन में, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, और DSM-5 क्राइटेरिया से डायग्नोस करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में एंड बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में। ठीक है, और टू बी डायग्नोस इज बाइपोलर डिसऑर्डर, ये जो मैनिक एपिसोड्स हैं, इट शुड बी एटलीस्ट फॉर 7 days, मिनिमम ऑफ 7 days। ठीक है, अगर एक दिन के लिए या दो दिन के लिए रहते हैं, देन पेशेंट के नॉट बी डायग्नोज बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो एटलीस्ट 7 days में मैनिक सिम्टम्स होने चाहिए, और देर शुड बी 1 डिप्रेसिव एपिसोड ऑल्सो। ठीक है, तो हम कैसे डायग्नोज करते हैं बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 में? ठीक है, प्रॉपर हिस्ट्री लेके अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं? ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए क्या है हमारे पास? मेडिकल थेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, मेडिकल थेरेपी में हम मूड स्टेबलाइजर यूज करते हैं, मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, मूड को नॉर्मल रखने के लिए, मूड को बैलेंस रखने के लिए क्या देंगे? लिथियम, ठीक है, और एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स लेके एंटीसाइकोटिक्स, तो ये हो गया मेडिकल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है? पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे हम ट्रिगर को ही निकालते हैं। ठीक है, जैसे सपोज स्ट्रेस से मैनिक एपिसोड आ सकता है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे, विल टेक सर्टेन स्टेप्स टू रिमूव द ट्रिगर, या अगर सिम्टम्स आ चुके हैं तो उसको फर्दर आगे ना चला जाए, तो ऐसा कुछ करेंगे। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ये दो है इसकी ट्रीटमेंट। तो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? एज अ रिकैप,
बाइपोलर डिसऑर्डर इज सीरियस मेंटल इलनेस वेयर द पेशेंट स्विंग्स फ्रॉम एक्सट्रीमली लो स्टेट टू एक्सट्रीम हाई स्टेट, बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत ज्यादा मानिया, ठीक है, यूफोरिक स्टेट, ठीक है। एंड इसका ट्रीटमेंट है मेडिकल एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। थैंक यू सो मच।